हाँ जी, तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 पोस्टपोन्ड है। हम सबको पता है कि अब ये एग्जाम इंस्टेड ऑफ 27 जून होगा 10 अक्टूबर को। तो दैट मीन्स अब हमारे पास प्रीलिम्स से पहले कुछ एक्स्ट्रा टाइम है, हमें उसको रीस्ट्रेटेजाइज करना है सारे प्लान को, मिशन 2021 को, उससे रिलेटेड हम आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं। आपका रीस्ट्रेटेजाइज प्लान क्या है, आपको पर डे कितने एमसीक्यूज मिलेंगे, जीएस अब आप कैसे डिफरेंटली कवर कर रहे हैं और करंट अफेयर्स को कैसे कवर करेंगे, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आज आपको भरसर बना के देंगे। वो हम आपसे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर करेंगे, जो हमारा मिशन प्रीलिम्स 2021 का व्हाट्सएप ग्रुप है, यूट्यूब पे भी डालेंगे। सेकेंड थिंग, एक चीज जो मैं आपसे आउटराइटली शेयर करना चाहता हूँ, ये कि गिवन द फैक्ट कि अब प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गया है, तो इट वुड बी नाइव टू फील कि हाँ अब हमें आ रहा प्रीलिम्स 10 अक्टूबर को है, उसके बाद में 5-6 महीने बाद मेंस होगा। ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। वी स्ट्रॉन्गली फील कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में गैप कम हो जाएगा। दैट मीन्स कि अब हमें क्या करना चाहिए, कुछ पार्ट ऑफ मेंस अगर हमारा टाइम अलाउ कर रहा है, अगर हम प्रीलिम्स में थोड़े बेटर प्रिपेयर थे, तो कुछ पार्ट ऑफ मेंस हमें प्रीलिम्स से पहले कवर कर लेना चाहिए। इसी चीज को ध्यान में रखकर हमने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए ये वाली, जिसमें हम ये देखें कि हम प्रीलिम्स को कैसे रीस्ट्रेटेजाइज करें, एज वेल एज हम कौन सा पार्ट ऑफ मेंस प्रीलिम्स से पहले कर लें। अब इन थ्योरी तो बहुत ऑप्शंस हैं, सोशल इश्यूज कर लो, जैसे ये बच्चे काफी हमारी बात भी हो रही है बच्चों से, तो बच्चे एक चीज में कंफ्यूज हैं इसी पॉइंट पे कि अब इस जो हमें टाइम एक्स्ट्रा मिला है, इसमें हम ऑप्शनल के ऊपर ज्यादा फोकस करें या जो मेन स्पेसिफिक जीएस के टॉपिक्स आते हैं जैसे कि एथिक्स हो गया या सोशल इश्यूज हो गया, उनके ऊपर अब ये टाइम ज्यादा हम लगाएं, तो क्या हमें एक बेटर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब इसमें से राघव सर के साथ में अभी लाइक आई हैड अ रिलेटेड डिस्कशन, एंड हम हमारा ये टू द बेस्ट ऑफ आवर लाइक विजडम जो हमें सेंस बनाता है, वो ये है कि आप एक पेपर ऑप्शन का कर लो। मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, हिस्ट्री, एंशियंट मेडिवल मॉडर्न, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, कल्चर, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके आईआरबी में इंक्लूड कर ले, ये 8-9 वो टॉपिक्स हैं जो आपके प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। तो हम ये मानते हैं कि ये तो वो टॉपिक्स को अब आप मेंस के लेवल का प्रिपेयर कर लीजिए, कि लेट्स से आईआर में इंस्टेड ऑफ जस्ट कवरिंग इट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, अब आप जीएस 2 के पर्सपेक्टिव से भी इसको कवर कर लीजिए। सिमिलरली पॉलिटी को सिर्फ कुछ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करने के साथ साथ में, इन एडिशन टू दैट, आप जीएस 2 के पर्सपेक्टिव से भी कर लीजिए। सिमिलरली इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, तो अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा कि जीएस 1 में आपकी हिस्ट्री हो चुकी होगी सारी, ज्योग्राफी हो चुकी होगी सारी, और आपका सिर्फ सोशल इश्यूज रह जाएगा। नंबर 2, जीएस 2 में सिर्फ आपका गवर्नेंस रह जाएगा, जीएस 3 में सिर्फ आपका सिक्योरिटी इश्यूज रह जाएगा, और से मतलब एक नॉमन क्रेचर अगर सिलेबस का सीरियसली ले तो डिजास्टर मैनेजमेंट रह जाएगा, और आपका एथिक्स रह जाएगा। ये 4 चीजें रह जाएंगी जो मतलब प्राइमरीली स्पीकिंग, पोस्ट इंडिपेंडेंस वगैरह हम वैसे ही आपको काफी देर पहले करवा भी चुके हैं, अब यू आर इन आर पीसीएम कोर्स, और या फिर इतना बड़ा कोई टॉपिक होता नहीं है, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी आप बाद में कर सकते हैं, क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं पूछ, क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं आते उसमें से। तो हमारे हिसाब से ऑन दी अदर हैंड आप अपना एटलीस्ट 1 पेपर ऑप्शन का पूरा कर लीजिए, 250 मार्क्स अगर आप अपने कवर कर लेते हैं वो बेटर है। अब बात यह है कि से आज May 20th मान लो, हम आज की डेट को अगर मान लें, तो May 20th से लेकर और से June 20th तक मैं एक महीने में 250 मार्क्स का अपना ऑप्शन का एक पेपर तैयार करता हूँ। वहां पे ना प्रिडिक्टेबिलिटी है, तकरीबन सभी ऑप्शनल्स में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो मैंने इस समय जिस चीज के ऊपर एक महीना लगाया राइट आफ्टर माई प्रीलिम्स, मुझे उसका फायदा होगा। ऑन द अदर हैंड अगर लेट्स से मैं अगला एक महीना वर्ल्ड हिस्ट्री करता रहता हूँ और एथिक्स करता रहता हूँ, Now if history tells us anything last 7 years की, ठीक, तो world history से तो कई बार सवाल भी नहीं आया, ठीक, तो आपको क्या हुआ, और ethics में भी फिर ऐसा हो गया कि एक generic question आ गया कि अगर मैं इस महीने extra effort ना भी लगाता तो भी मुझे वो सवाल आता होता। Now अब इससे मुझे लगेगा ओ यार इससे अच्छा मैं अपना option तैयार कर देता, ठीक, इसका रीजन क्या है कि जो ऑप्शनल है ना, ऑप्शनल मल्टीपल रिविजन डिमांड करते हैं, ठीक। अब मल्टीपल रिविजन कब होंगी, एक आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, एक बार आपने अभी एक महीना कर लिया, एक बार आप बाद में कर लेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर आपको लगता है कि आप प्रीलिम्स से 3 महीने पहले एक महीना लगा दें, या इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में रिलेटिवली कम रिटर्न्स हैं हमारे हिसाब से, रिगार्डलेस ऑफ योर ऑप्शन आप एक एटलीस्ट एक पेपर एक महीने में कवर कर लीजिए। दूसरी चीज, हिस्ट्री
मेंस में भी आनी है, ज्योग्राफी मेंस में भी आनी है, इकोनॉमी पॉलिटी एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक कल्चर आईआर ये सब मेंस में भी आना है। तो प्रीलिम्स के बाद में आपके ऊपर बर्डन बहुत कम हो जाएगा, जो ओवरलैपिंग वाले सब्जेक्ट्स हैं वो आप अभी कर लीजिए। तो यही हमारे हिसाब से सेंस बनाता है। लेकिन एक दूसरी चीज है, पिछले साल भी एग्जाम में डिले हुआ था और पिछले साल भी बच्चों ने यही सोचा था कि यार मैंने एक काम करता हूँ, मैं अपना ऑप्शनल और तैयार कर लेता हूँ या कुछ भी ऐसा सोचा। यहाँ पे ट्रैप क्या हो जाता है कि व्हेन यू हैव दिस ओपन एंडेड टारगेट, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने इस 1.5 महीने में ऑप्शन तैयार किए हैं। बच्चों ने क्या किया, लेट्स से इफ आई स्पीक फॉर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, किसी बच्चे ने बेलीज एंड स्मिथ की बुक उठाई और 1 महीना वो पढ़ने लग गए। सिमिलरली हिस्ट्री ऑप्शन में किसी बच्चे ने कोई एक्स्ट्रा बुक उठा ली होगी कि अच्छा सर ने बोला है ऑप्शन और तैयार कर लो, वो पढ़ने लगे। ये भी अभी इतना ज्यादा एडवाइजेबल नहीं है। इसके जगह आपको क्या करना चाहिए, टेंजिबल तरीके से ऑप्शन तैयार करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं डिसाइड करता हूँ, मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन है कि मैं इसका एक पेपर तैयार करता हूँ, मैं 5-6 क्वेश्चन उठाऊ उस पेपर के, और जो मेरे उसमें पार्ट्स मिसिंग हैं, जो मैंने टॉपिक्स नहीं किए हुए उन टॉपिक्स को अच्छे से करूँ, जो किए उनको रिवाइज करके 5-6 क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन के आंसर्स लिख के देख लूँ इस महीने में, 2 बार लिख लूँ चाहे मैं, क्योंकि मुझे पता है कि अब मेरा जो इस महीने में जो मैंने रिटर्न्स निकाली वो बेटर है। ये नहीं है कि मैंने ओपन एंडेड तरीके से किताब पढ़ ली, प्रॉबेबली एग्जाम में जब मैं अपने आंसर्स लिखूंगा तो मेरे को कुछ क्वालिटेटिव इनटेंजिबल बेनिफिट होगा। तो राइट नाउ उस क्वालिटेटिव इनटेंजिबल बेनिफिट के लिए 1-2 महीना लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्वांटिटेटिव अचीवमेंट होनी चाहिए आपकी इस महीने 1.5 महीने में। अदरवाइज जून भी निकल जाएगा, दोबारा आपके पास में वही 3 महीने रह जाएंगे और प्रीलिम्स फिर सिर पे खड़ा होगा। यू वुड बी नो नॉट एनी बेटर ऑफ कंपेयर टू वट यू वर से लाइक 1 month अगो। सो मतलब ऑप्शन सेंस में इसमें आता है। मतलब ऑप्शन ही सेंस में आता है। सर ने जो बात बोली वो खैर ज्यादा ट्रू है उन बच्चों के लिए जो ऑप्शन पहले कर चुके हैं, जिन्होंने अभी ऑप्शन नहीं किया। काफी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी ऑप्शन स्टार्ट नहीं किया होगा, वो वेट कर रहे होंगे कि इंटरवीनिंग पीरियड में कर लेंगे कि प्रीलिम्स के बाद कर लेंगे। उन बच्चों के लिए तो ये बात और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपना एटलीस्ट एक पेपर तो जो यूपीएससी सिलेबस के हिसाब से अगर हम बात करें तो यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से आप अपना एक पेपर तो कंप्लीटली स्ट्राइक ऑफ कर ही लो। बिल्कुल सही बात है। एंड वो करना उसी तरह से जैसे सर ने बताया कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हुए हैं, आपने सिलेबस में से कोई चीज आपने अनटच नहीं छोड़ी, कि उन्होंने यूपीएससी ने अपने सिलेबस में कोई पॉइंटर मेंशन किया था वो आपने लाइक अनटच ही छोड़ दिया, वो आपने क्लैरिकली सारा सिलेबस कवर करना है एंड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने हैं। तो ऑप्शनल का एटलीस्ट एक पेपर एंड अगर टाइम हो तो अगर दो कर सकते हो तो और भी लाइक इट वुड बी इवन बेटर। एंड जो सर ने पहले बात बोली कि जो कॉमन चीजें हैं फॉर योर प्रिलिम्स एज वेल एज मेंस, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी इन्वायरमेंट साइंस एंड कल्चर वाला पोर्शन, ये चीजें आप प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लो, ताकि आपको जो बीच में जो टाइम मिलेगा प्रीलिम्स के बाद उसमें आप उन चीजों के ऊपर फोकस कर सको जो आपने पहले नहीं पढ़ी हुई है, जो सिर्फ मेंस है, एक्सक्लूसिव टू मेंस है। क्यों राघव सर? बिल्कुल। अच्छा, आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग अबाउट करंट अफेयर्स आल्सो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करंट अफेयर्स पढ़ने छोड़ दिए थे, एज बाय दैट आई मीन के करंट अफेयर्स में जैसे एडिटोरियल सेक्शन पढ़ना छोड़ दिया। हां, गिवन द डेट वाज लाइक 26th ऑफ जून, तो 1 or 2 months बिफोर दैट पीपल स्टॉप रीडिंग करंट अफेयर्स, स्पेशली द एडिटोरियल सेक्शन। बट नाउ आई जस्ट वुड लाइक टू एडवाइज यू ऑल टू स्टार्ट रीडिंग दैट एडिटोरियल पोर्शन, बिकॉज इट्स वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन योर मेन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। एडिटोरियल सेक्शन पढ़ना एसे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेन्स आंसर राइटिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आर्ग्यूमेंट फॉर्मेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए वो एडिटोरियल सेक्शन ही पढ़ना बिल्कुल अपना बंद मत करना, दोबारा से स्टार्ट कर देना, बिकॉज नाउ द एग्जाम इज ऑन 10th of October। सो या, एडिटोरियल्स दैट वर पब्लिश्ड इन द मंथ ऑफ जून मे एंड इवन इन ऑगस्ट वो भी आएंगे आपके मेंस के एग्जाम में, बहुत ज्यादा चांसेस है। तो एडिटोरियल पढ़ने बिल्कुल मत छोड़ना। एंड एज फार एज आर करंट अफेयर सीरीज इज कंसर्न, जो हमारे करंट अफेयर्स चल रहे हैं, तो आप में से कुछ लोगों को मतलब ये देखे होंगे, अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो, तो आप में से कुछ लोगों को आइडिया होगा कि हम कुछ एडिटोरियल्स भी आपके साथ शेयर कर देते हैं दैट यू हैव टू रीड योरसेल्फ। तो उन्हें मत छोड़ना, वो कुछ इंपॉर्टेंट हमारी नजर से, हमारे एक्सपीरियंस से कुछ हमने शॉर्टलिस्ट करे होते हैं एडिटोरियल्स, तो उन्हें पढ़ना जरूर। इन जनरल भी अदरवाइज हमारे यहाँ पे सीधे पे फिलोसफी ये है कि न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, चाहे आपका मेंस हो गया तो इंटरव्यू, जिस दिन तक आप अधिकारी नहीं बने, अंटिल द डे यू आर इन द सर्विसेज, तब तक तो न्यूज़पेपर पढ़ना इवन आफ्टर दैट उसके बाद में चलो। लेकिन मतलब अदरवाइज ना
जैसे हमारा भी जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में हम करंट अफेयर्स करवा रहे हैं, येट वी एडवाइस कि अगर आपको खुद से लाइफ में क्या करना है तो वो न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर आपको इतना ज्यादा स्मार्ट बनाएगा, मतलब आप सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके सामने पड़ी होगी और आपके साथ में दूसरे स्टूडेंट के सामने पड़ी होगी, योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ बेटर वे, योर एबिलिटी टू यूज दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन योर एसे, सोशल इश्यूज, GS2, GS4, एक ना इनटेंजिबल सी आपकी ग्रोथ होती है, आपका एक्सप्रेशन बेटर होता है। एग्जाम में छोटे छोटे से आप कॉर्नर्स मतलब वो कर पाते हो, कैप्चर कर पाते हो, इन द सेंस की लेट्स से मुझे एक सवाल के ऊपर आंसर लिखना है राघव सर को, भरत सर को, लेकिन राघव सर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैं और भरत सर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, हम तीनों को क्वेश्चन आता है, लेकिन वी वुड बी सर्चिंग फॉर राइट काइंड ऑफ वर्ड्स और एक्सप्रेशन इन द एग्जाम टू एक्सप्रेस दैट वेरी थिंग, जो राघव सर स्ट्रगल नहीं करेंगे क्योंकि वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो एक्सप्रेशन कम्स टू हिम नेचुरली, या फॉर दैट मैटर एनीबॉडी, एंड ओपिनियन फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि काफी सारे मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं आपको एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछते हैं, सजेशंस मांगते हैं, तो ओपिनियन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं हमें न्यूज़पेपर्स। अगर हमारा ओपिनियन बना होगा तभी हम अच्छे से एनालिसिस प्रोवाइड कर पाते हैं, तभी हम सजेशंस वगैरह दे पाते हैं, तो मल्टीपल तरीके से न्यूज़पेपर हमें हेल्प करते हैं। तो आपको ये तो डेफिनेटली राघव सर ने बहुत अच्छा लाइक आपको एडवाइस दिया है कि आप ये चीज कंटिन्यू रखें। एक चीज और है कि मतलब फॉर सम रीजन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कॉल्ड मी और लाइक कॉल्ड आवर इंस्टीट्यूट, वो ये बोलते हैं कि सर नाउ दैट द प्रीलिम्स इज पोस्टपोन्ड मैं एथिक्स करूं, फॉर सम रीजन देयर इज दिस एथिक्स फिक्सेशन कि अगर अगर अब एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो मैं एथिक्स का पेपर कर लूं। अब मतलब आई वुडंट एडवाइस दैट, वी वुडंट एडवाइस दैट, वी हैड दिस डिस्कशन भरत सर, राघव सर एंड आई, वी हैड दिस डिस्कशन, बिकॉज एथिक्स की प्रिपरेशन ना कितनी भी इलास्टिक बना सकते हो आप। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप आज भी एथिक्स स्टार्ट करो, अगले 2 महीने तक एथिक्स पढ़ते रहें। ऐसा भी हो सकता है कि रीजनेबल अमाउंट ऑफ एथिक्स की प्रिपरेशन आपके 2024 लेक्चर्स में अच्छे से हो भी सकती है, जिसमें आप केस स्टडीज भी तैयार हो गई, आपको बेसिक से आइडियाज भी हैं और आप एक अच्छा सेंसिबल आंसर लिख के आ सकते हैं। सो आई वुडंट सजेस्ट नॉट एथिक्स, कोई भी चीज जो बहुत इलास्टिक है जिसकी प्रिपरेशन, वो हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे कि अब आप उसको आप छेड़िए। ऑन दी अदर हैंड ऑप्शन भी हम इसलिए बोला है बिकॉज ऑप्शन में यू कैन ऑलवेज पुट योर फुट डाउन, क्या दिस इज इट। मान लो आप अगेन आई कैन स्पीक फॉर माई ऑप्शन ओनली, लेट्स से इफ मैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन तैयार कर रहा हूँ, मुझे पता है कि इन प्लेटो या एरिस्टोटल या मैकियावेली, जॉन लॉक, हॉब्स, रूसो, कोई भी थिंक करेगा कि यार मैं इतना कर रहा हूँ, इसके बाहर जो आएगा तो आए, टुमारो आई एम गोइंग टू कवर माई नेक्स्ट थिंकर, टुमारो आई एम गोइंग टू कवर माई नेक्स्ट थ्योरी, टुमारो आई एम गोइंग टू कवर माई नेक्स्ट से मॉडल और जो भी पोलिटिकल आइडिया है। And this thing is true for almost every option. Option की तैयारी थोड़ी containable सी तैयारी होती है, आपको पता होता है कि ये करना है ये नहीं करना है, question can still come out of the things that you have not studied, but still जो तैयारी होती है option की बहुत standardized सी तैयारी होती है कि आपने ये किया हुआ है, इसी के basis पे question mostly पूछे जाते हैं। अगर हम previous year का trends भी देखें, आपने 20 year questions किए हुए हैं, papers किए हुए हैं, तो like आपकी तैयारी reasonably एक अच्छी तैयारी होती है, and you are guaranteed to score good marks is optional. From anthro to medical science, it stands true कि अगर आपने पास और एक चीज just in general, otherwise we'll be here to guide you for your options as well. एक ना मतलब मैं किसको मानता हूँ कि ऑप्शन की प्रिपरेशन आपकी हो गई जब आपके सिलेबस के हर एक टॉपिक पे आप टिक लगा सकते हो। दूसरा जो पास ईयर क्वेश्चंस थे वो ये नहीं है कि मैंने क्वेश्चन देखे और मैंने बोला हाँ यार ये मैं कर लूंगा, नो दैट इज नॉट इनफ। You have to have a copy of your answer written by you. अपने खुद के कर कमलों से आपने आंसर लिखा है। Once you've done that, only then you can say that at least on the clerical level, मेरी तैयारी हो गई है। Just this moment of epiphany कि हाँ यार ये मेरे सामने सवाल है, ये तो मेरे से हो जाएंगे, मेरे को आमद हो गई है। ये this is not enough. Why? Exam में you can either think or write. You will be given such little time that unless you can recall everything within seconds, so no matter how in-depth knowledge you have, how like you know how good your analytical abilities are, unless you can recall things immediately and then you can quickly wind up one answer and quickly move on to the other one, you won't be able to complete the paper, you won't be able to write good ideas इन द सिस्टमैटिक ऑर्डर। अब उसका भी कोई पॉइंट नहीं है ना कि आपको धीरे धीरे याद आ रहा है, आपने पूरा आंसर लिख दिया, उसके बाद में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आया, देन यू गो बैक देयर ऑल्सो, ऐसे करके आंसर लिख रहे हो, तो उसका मजा नहीं है। तो अगेन आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू कम्युनिकेट आवर पॉइंट टू यू गाइस प्रॉपरली और नॉट, बट
बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर फर्स्ट टाइमर्स, आप पहली बार अपना प्रीलिम्स और मेंस दे रहे होंगे, बट अगेन द पॉइंट इज दैट ऑप्शनल टिप्स पे रखो, कोई आपको नींद से भी जगा दे और आपके ऑप्शन का सवाल पूछे तो आपको एकदम से आना चाहिए। तो एक आप पेपर कर लीजिए जो भी आपका ऑप्शन का है, जो अभी तक टॉपिक्स हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कर रहे थे जिनकी ओवरलैपिंग है, उन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। अब इसमें भी लेकिन हमने ऐसा नहीं होना कि सारा दिन हमारे यही एनालिसिस हो जा रहे हैं कि सोशल इश्यूज की ओवरलैपिंग है कि नहीं है, डिजास्टर मैनेजमेंट की ओवरलैपिंग है कि नहीं है, ठीक। तो ऐसे नहीं करना, जो हम आपको ये बोल रहे हैं ना कि ये वाले जो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हिस्ट्री बहुत डिटेल में भारत सर ने करवाई है, एंशियंट मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, कल्चर बीइंग पार्ट ऑफ हिस्ट्री, आईआर, ये सारे टॉपिक्स भी अगर आप बहुत तसल्ली से कर लेते हैं एंड लाइक ऑन टॉप ऑफ करंट अफेयर्स, बट उसमें आपको पता है कि आप चाहे प्रीलिम्स वाले दिन ही मुझसे मेंस ले लो इन सारे टॉपिक्स का, तो यू आर फाइन, ठीक है। तो इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू, दूसरा जस्ट जनरल से हम बात कर रहे थे कि काफी सारे बच्चे ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि पेपर पोस्टपोन हो गया, थोड़े से हताश से हो गए थे एंड सिनेरियो भी ऐसा ही चल रहा है, तो उसमें आपने बच्चे स्टीम नहीं लूज करनी है, हमने जो मोमेंटम गेन किया है पिछले 2-3 महीनों में, आप हमारे साथ जुड़े हुए हो या कुछ लोग तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, जो हमने मोमेंटम बनाया है इतने अच्छे से तैयारी करके कि अपने आप को 27 जून को जो प्रीलिम्स होना है उसके लिए अपने आप को होन किया है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारा पेपर पोस्टपोन हो गया तो हमने अपनी तैयारी को बैक बना के तो बिल्कुल भी नहीं डालना है, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हमने अपनी तैयारी को बैक बर्नर पे डाल दिया लेकिन हमारे कॉम्पिटिटर्स ने तो नहीं डाला, वो तो उसी तरह से पूरा अपनी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं, 10-12 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, वो लोग अगर हमारी लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होल लाइक माइंड क्या है कि हमने अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा परफॉर्म करना है, हम तभी मेरिट में आएंगे, तो अगर हम अपनी तैयारी को बैक बर्नर पे डाल देंगे लेकिन बाकी सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो हम अपनी तैयारी में कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, नॉटविथस्टैंडिंग द फैक्ट कि हमने पिछले 8 महीने बहुत शिद्दत से तैयारी की है, तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, तैयारी को बैक बर्नर पे नहीं डालना है, इन दी चेंज सर्कमस्टांसेस आपने अपनी तैयारी को अडेप्ट करना है एंड अच्छे से परफॉर्म करना है। और उसमें भी ये है कि लेट्स से वी आर नॉट हियर टू हेल्प यू गाइस एकेडमिकली ओनली, मैं आपको ना आज एक बात बोलता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, अगर आप सीबीएल के बेस्ट स्टूडेंट हैं, बिकॉज द काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड दिस कोर्स, इफ यू आर बेस्ट इन दिस कोर्स ऑटोमेटिकली आप मतलब इंडिया के लेवल पे आप अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत सीरियस, बहुत अच्छे, वेरी एबल, नो नॉनसेंस स्टूडेंट्स ने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है और इतना अच्छे वो कई बच्चे आंसर्स लिख के दिखाते हैं, बच्चों के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत अच्छा पूल ऑफ स्टूडेंट्स कलेक्ट हुआ है, तो उसमें बहुत अच्छा है, तो उसमें अगर मतलब साइकोलॉजिकली हैक मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आप थोड़ी देर के लिए भूल भी जाएं कि यार कोई आईएएस का एग्जाम है, आईपीएस का एग्जाम है और पैन इंडिया लेवल कॉम्पिटिशन है, 6 लाख बच्चे पेपर देंगे, 5 लाख देंगे, ये देंगे, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, आप अगर नाउ दैट यू आर एसोसिएटेड विद अस, अगर आप सिर्फ ये एम बना लेंगे ना कि मुझे सिर्फ सीबीएल में टॉप करना है कंसिस्टेंटली, फिर मैं देखूंगा कि इंडिया में जाके एक दिन पेपर होगा मैं एग्जाम दे दूंगा, ट्रस्ट मी यू विल डू एक्सीडिंगली वेल इन द एग्जाम। Secondly, we are not here to help you for your academic doubts only. अगर आपको वैसे लगता है कि यार थोड़ा सा frustration हो रही है या पता नहीं लग रहा rhythm कैसे बन रही है बनेगी, तो हो क्या जाते हैं ना कि हमारे साथ में मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जो बच्चे छोटे बच्चे हैं 20 साल के 21 साल के, अब यूपीएससी में उनको छोटा ही बोलते हैं, 20 साल के 21 साल के बच्चे, वो ना थोड़े बेटर ऑफ हैं, उनका क्या होता है कि उनकी 4 दिन पढ़ाई नहीं होती ना, दे जस्ट कॉल भी चेतन सर से बात करनी है, भरत सर से बात करनी है, भरत सर से बात करते हैं, सर मेरी ना 4-5 दिन से पढ़ाई नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही सर, ऐसा हो गया था वैसा हो गया था, एंड देन अब ये री प्लानिंग करवा लेते हैं अपनी, क्या मैं ये पढ़ लेता हूँ। ऑन दी अदर हैंड दोज ऑफ यू हु आर लाइक 25, 26, 27 अंटिल एज 32, यू आर टू प्राउड टू हैव दिस काइंड ऑफ डिस्कशन, आपको लगता है कि यार भरत बोलेगा चेतन बोलेगा अरे अभी ढंग की बात करें यार, मैं यहाँ पे कोई आदमी यार थोड़ी हूँ, बट ऐसा नहीं है। जैसे राघव सर ने आपको ना जब ये हमने कोर्स इंट्रोड्यूस किया था तो एक बात बोली थी राघव सर ने कि यार ये मैराथन है, आप सब हमारे छोटे भाई बहन हो, इनवेरिएबली सभी के लिए ट्रू है ये, आप सब हमारे छोटे भाई बहन हो, अगर हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे, आपको लग रहा है कि यार मेरा मोमेंटम खराब हुआ है, प्रॉब्ली इफ आई टॉक टू राघव सर एंड प्रॉब्ली लाइक इफ आई री स्ट्रेटेजाइज माई डे टू डे शेड्यूल इट विल हेल्प मी।
कॉन्टेक्ट अस, वी विल ट्राई टू गेट बैक टू यू लाइक आइदर थ्रू ईमेल और थ्रू फोन. तो मतलब हम आपको, हमारा यहाँ पे आइडिया ये है कि हम आपको नॉट ओनली सिर्फ आपको पढ़ाएं, पढ़ाया जो आपको रही है वो आपको जब एग्जाम होगा तो यू विल सी कि हाँ काफी अच्छा पढ़ाया है, ठीक. बट अदरवाइज भी अगर से अ कपल ऑफ फोन कॉल्स और लेट्स से वन सेशन और planning or re-strategizing, if it helps you break that vicious cycle wherein you study for a day and then you don't study for another 3-4 days and then you study for a day and then this vicious cycle goes on, if you can break this cycle just by a phone call or say some sort of session, a mentorship session, feel free to reach out to us. Yeah, I just want to add one more thing into this. ये सारी जो चीजें करनी है ना till your exam, prelims exam, this should be in a regimented format. For example, आप अगर optional भी तैयारी कर रहे हो तो मार्क सम आवर्स फॉर दैट. ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में अब इंटरेस्ट आ रहा है, बिकॉज ऑप्शन जनरली आप इंटरेस्ट के लिए चूज करते हैं, जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, बट जनरली. तो उसके लिए जस्ट मार्क सम आवर्स फॉर दैट कि सुबह 2 घंटे ऑप्शन करना है और ये छोटे छोटे टारगेट्स मुझे अचीव करने हैं, एंड 2 मंथ्स डाउन द लाइन मेरा इतना ऑप्शनल हो जाएगा. सेम इज द केस फॉर करंट अफेयर्स, जो एडिटोरियल्स की बात अभी करी थी, एंड सेम इज द केस विद, हाँ, डोंट लूज फोकस ऑन प्रीलिम्स, वो मेन है. हमने बाकी सारी चीजें बोल दी है पर प्रीलिम्स सबसे मेन है, उसके लिए तो बिल्कुल मत छोड़ना अपना जो भी तैयारी है. हमारा डिस्कशन इस वीडियो में इसलिए नहीं की बिकॉज़ भरत सर इज कमिंग आउट विद द प्रॉपर प्लान फॉर प्रीलिम्स, रीस्ट्रेटजाइज्ड प्लान, जिसमें हम आपको ना विद इन दिस कोर्स ओनली, वी आर नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग एक्स्ट्रा, वी आर गोइंग टू गिव यू मोर क्वेश्चंस, मोर टेस्ट एंड सम मोर लेक्चर्स, फ्री लेक्चर, सो दैट जो भी आपका अगर कोई मॉड्यूल किसी का वीक है तो उसको कवर कर सके. सो देयर इज गोइंग टू बी अ वीडियो बाय भरत सर टुडे ओनली, उसमें वो आपको डिटेल प्लान देंगे. उसके लिए मिशन 2021 बोला था मेन इज मेंटरशिप, राइट, और जो टाइम टेबल वगैरह होगा, वी हैव कम अप विद अ रीवैम्प्ड स्ट्रेटजी, भरत सर इज गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट, पर उस पे भी हमने फोकस रखना और आपके टाइम टेबल से आपने हटना नहीं है. जैसा हम बताते जाएंगे, इफ यू फॉलो अस रिलीजियसली, ट्रस्ट मी, जैसे चेतन सर हैज जस्ट टोल्ड यू, जस्ट मेंशन दिस, कि इफ यू आर डूइंग वेल इन द सीबीएल पूल ऑफ स्टूडेंट्स, इफ यू आर डूइंग वेल एंड इफ यू आर बीटिंग मेनी ऑफ योर पीयर्स इन द सीबीएल पूल, यू आर डूइंग वेल इन द कंट्री. सो वो कोशिश करना, जस्ट फॉलो अस रिलीजियसली. थोड़ा यस अपना दिमाग लगाना चाहिए, बट ट्रस्ट ऑन आवर एक्सपर्टीज एज वेल. नहीं, हम आपको बोल देते हैं कि यार बच्चे इतना पढ़ रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, बिकॉज लाइक बहुत अच्छा पूल सिलेक्ट हुआ है बच्चों का यहाँ पे, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि यहाँ से टॉप हुआ है तो आप काफी अच्छे उस पे हैं. तो वो जो भी टाइम टेबल की एडवाइस है उससे ब्रेक मत करना, बस ये है. और जो भरत सर बिल्कुल रिवाइटलाइज स्ट्रेटेजी आपसे अभी डिस्कस करेंगे वो फॉलो करना, ठीक है. शुड बी दैट्स इट फॉर टुडे एंड देन ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, है ना. तो हम इसको रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है, कल से इसको रीस्टार्ट करते हैं अच्छे से. And do not lose momentum. Yeah, all the best. Momentum lose nahi karna, aur hum we are there for you. Take care. Good night. Okay, take care.